वेलकम बैक टू अधिराज फैमिली चैनल। कैसे हैं आप? और हम जा रहे हैं बाहर, और लॉकडाउन के खत्म होने के बाद पहली बार आज हम बाहर जा रहे हैं। तो आदि को दिखाती हूँ। आदि, तो आदि अपना मास्क निकाल के बोलो। हाय गाइस, कैसे आप सब? बोलो। हाय गाइस, कैसे आप सब? तो हम जा रहे हैं पानी पूरी खाने और आइसक्रीम खाने। तो आप भी शेयर करिए सबके साथ, मेरे मम्मी की वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए चलिए, मिलती बाद में। ओ, देखा आदि से बातें हो गई आपकी, और हम जा रहे हैं। तो वो बोल रही आइसक्रीम पानी पूरी खाने जा रहे हैं, बट हम बाहर जा रहे हैं काम से। बच्चों को तो वो उतना ही खाने के लिए ही होता है। तो चलिए, मास्क पहनो। तो ये देखिए, हम लोग बाहर जा रहे थे और मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया और बहुत अच्छा लगा यार। मतलब मार्च के बाद मैं आउटडोर अभी आज शूट की हूँ, और मॉल में भी आज गई थी तो गए थे। तो ये देखो, क्लॉथ थे, कुर्तीस थे, बट सब है ना पूरा माल ओल्ड था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोई नया माल तो आया नहीं था, जो था पुराना था। ये रेड शर्ट दिखा रही हूँ ना, वो पहले भी था, तो तब 300 की 400 में था, अभी 1100 में था। तो उन लोगों ने ना प्राइस भी, उनके जो कपड़े मैं पहले देखी थी ना, आधे से ज़्यादा कपड़े, तो ये वाला टॉप भी पहले भी था, तो अभी उन्होंने क्या किए, टैग दूसरे लगा दिए और प्राइस हाई कर दी। और क्लॉथ तो बिल्कुल अच्छा नहीं था, री स्टॉक का 900 रुपये, और कपड़ा देखो बिल्कुल अच्छा नहीं था वहाँ पे। तो हम लोग ऐसे ही घूमने गए थे, लगा था कुछ अच्छा आया होगा, बट नहीं था। सिर्फ जेंट्स के इसमें वैरायटी थे अच्छे अच्छे जीन्स के, इसमें टी शर्ट और शर्ट तो नहीं थे, जीन्स बहुत आए थे। जीन्स तो बहुत था, जैसा बोलो वैसा जीन्स था। और यहाँ पे ये देखो, आदि है ना, एक गॉगल ढूंढ रही थी, तो ये दिखाती हूँ आपको, एक रेड कलर, ये 500 का गॉगल था, तो मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैं ना उन लड़कियों में से हूँ जो ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करती। जो चीज़ें 100 रुपये में मिल सकती है बाहर, उसका मॉल में मेरे को लगता है 1000 रुपये देना नहीं चाहिए। अभी हेयर बेल्ट भी देखो ना, जो 20 रुपीज़ में मिल जाता है, मिनिमम आप 50 रुपीज़ समझ लो, वो 300 रुपये देना पड़ रहा है। तो मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो फालतू खर्चे करते हैं। तो मुझे लगता है खाने पीने के लिए जो भी लो लो। तो आदि ने माजा लिया था, और ये जो कुकर है ना, ये मुझे बहुत पसंद आया था, 5000 का था, 4000 कुछ तो था, तो ये मेरे को बहुत पसंद आया है, तो मैं नेक्स्ट मंथ लूँगी। पर मेरे हस्बैंड बोल रहे ये कुकर लेने से अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कुकर ही ले ले, तो मेरे को, बट मुझे ना ब्लैक कुकर बहुत पसंद, मुझे ना ज़्यादातर ब्लैक कुकर, ब्लैक तवा, ब्लैक कढ़ाई सब कुछ पसंद है मुझे, तो बहुत पसंद है। तो मैं लूँगी वो कुकर, तो मैं कैसे भी लूँगी, और एक डोसे का तवा भी लेना, मेरा ख़राब हो गया है, तो वही हम चेक कर रहे थे। पर मैं मॉल से नहीं लूँगी, क्योंकि मैं ना शॉप से लूँगी जहाँ पे बार्गेनिंग हो सकती है, कुछ कम कर देते, मॉल वाले कुछ नहीं करते, हम उठाना और डालना और चले आना उतनी प्राइस देके। और मुझे लगता है जो भी लोग मॉल में जाते हैं, उन्होंने नोटिस किया होगा मॉल में कुछ पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, और वहाँ बार्गेनिंग नहीं कर सकते हम। और ये कुकर भी मुझे बहुत पसंद आया, 3 लीटर का था और 2 लीटर का था, तो एक ही ढक्कन था, दोनों यूज करें। और मैं घर पे आ गई तो ये खा रही थी मैं वेपर्स, तो दिखा रही हूँ आपको। तो चलिए, और भूख लग गई है, भूख तो एक मिनट लाइट चालू कर दूँ, भूख तो कुछ जोर से लग गई, मैंने सुबह कुछ भी नहीं खाया, उसके बाद मैंने आज पानी पूरी खाया। और आप सोच नहीं सकते मुझे इतना 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 खुशी हुई है यार, मैं पेट भर के खा के आई हूँ, अब नाम ले रही हूँ, फिर से मेरे को खाने का क्रेविंग हो रही है, बहुत खाना बहुत पसंद है। और मैंने मैंगो भी लाया, मेरे को मैंगो बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने मैंगो लाया, आदि के लिए बनाना लाया था, ये बनाते हैं हम कुछ, तो हम बनाएंगे पास्ता। चलिए फ्रिज में चलते हैं, सबसे पहले फ्रिज में चलते हैं। तो फ्रिज में से निकालते हैं हम टोमेटो। तो यहाँ पे मैं पास्ता बनाने लग गई थी, तो पास्ता की मैंने कोई रेसिपी शूट नहीं की, क्योंकि यार पास्ता की मैंने ऑलरेडी एक स्पेशल वीडियो में डाला है, तो सिंपल वाला पास्ता बनाया था, और मेरे को ना रेसिपी शूट करना पसंद नहीं, मेरे को रेसिपी
मेरा चैनल ही नहीं है ना कुकिंग का, तो मेरे को रेसिपी ज़्यादा पसंद नहीं है डालना, ब्लॉगिंग करना पसंद है मुझे ना, एज अ ब्लॉगिंग। मेरे सबसे बेस्ट ब्लॉगर कौन है आपको पता है क्या? फ्लाइंग वेस्ट है ना, फ्लाइंग वेस्ट बेस्ट कुछ तो ऐसा नाम है, वो बहुत पसंद है मुझे, ब्लॉगिंग करते हो, पायलट थे वो, उनकी वाइफ भी पायलट, बहुत पसंद है उनके ब्लॉग में रोज़ देखो, इतने ज़्यादा पसंद आप सोच नहीं सकते। वो पता है ना एक छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं, सबकी हेल्प करते हैं, और ब्लॉगिंग भी उनकी बेटी की वजह से उनकी ब्लॉगिंग बहुत पसंद है मुझे। तो यहाँ पे मैं पास्ता बना रही थी, तो हाँ मैं क्या बोल रही थी कि मेरा कोई ब्लॉगिंग चैनल, मेरा कुकिंग चैनल नहीं है, फिर भी मैं कभी कभी दिखा देती हूँ रेसिपी नॉर्मली। तो ये देखिए मैं यहाँ पास्ता बना रही थी, और तो चलिए मैं बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night. खिड़की लगा देती हूँ इधर किचन की, हमारे इधर बहुत मच्छर आते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए ना खिड़की लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं ना 5:30 को एक खिड़की लगा देती हूँ, और हो गया चाय बनाना। और ये देखो धूप है और बारिश आ रही है, क्या बोल रहे हो, तो इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।